आप सभी को अंजलि सिन्हा का प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे आई एम हियर टू शो यू अ वेरी वंडरफुल ड्रामा व्हिच इज बेस्ड ऑन कॉलेज लाइफ। सो लेट मी स्टार्ट। जिन बातों पर रोते थे उन पर आज हंसी आती है। जिन बातों पर रोते थे उन पर आज हंसी आती है। पता नहीं क्यों वो बात बहुत याद आती है। काका कहते थे 4 साल बड़ी मुश्किल से जाएंगे। काका कहते थे 4 साल बड़ी मुश्किल से जाएंगे, लेकिन आज लगता है कुछ पीछे रह गया। आज कॉलेज का फर्स्ट डे है। देख के कुछ फ्रेंड्स मिलने जा रहे हैं, उनकी थोड़ी एक्साइटमेंट और थोड़ी नर्वसनेस। देखते हैं आज क्या होता है। फर्स्ट सीन। एक और फॉर्मेट करना। चलो चलो फ्रेंड्स, लेट हो रहे हैं वरना कॉलेज में फर्स्ट रो में बैठना पड़ जाएगा। तो चलिए मिलाते हैं आपकी कुछ पुरानी यादों से। सीन टू। और भाई पता कैसा है? अरे यार मैं भी बहुत सही हो रहा पता, बहुत एक्साइटमेंट। अभी कॉलेज नया नया मिला है, एकदम बहुत कुछ सीखना है। इस बार कॉलेज में पूरा धमाल मचा देना भाई। दम यार यार टेंशन मत ले। मस्त ब्रो, एकदम मस्त। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। सो फाइनली आप लोग कॉलेज आ ही गए। आप लोग के अंदर कुछ एक्साइटमेंट होंगे, कुछ एडवेंचर होंगे कि हम कॉलेज जाएंगे तो अच्छे दोस्त बनाएंगे, अच्छे जगहों पे घूमेंगे, कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे। तो आज से आप लोगों की कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों की कॉलेज लाइफ कैसे जाती है। मैं क्लास लेने से पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन लूंगा। होती है ऐसी गलतियां होती है सबसे। सो यू स्टैंड अप। व्हाट्स योर नेम? समीर कुमार। How are you feeling in this college? I am feeling like touching my bone, sir. Okay, sit down. You stand up. What's your name? Vivek Kumar Sheth. And how are you feeling in this college? Ekdam jackass. Jackass? Yes, sir. Why are you feeling jackass here? Because yahan ke nazare bahut acche hain. Nazare? Humne to kabhi acche nazare nahi dekhe. Kabhi hame bhi dikhao. Chalo baith jao, main class leta. First session provide us 20 marks in our class, so that stand up guys, what is this happening? What? Nothing. Mic do. What's happening? Nothing sir. What nothing? This is your behavior in class? Sorry sir. What sorry? I don't want to hear sorry here. 1 minute sir, I will show you. Stop this nonsense. Stop this nonsense and get out of class. Sorry, sir. क्लास में ऐसी छोटी मोटी चीजें तो होती ही रहती है, लेकिन फ्रेंड्स हम अपना सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? लाइब्रेरी में? नहीं। लैब में? बिल्कुल भी नहीं। कैन एनीवन गेस कहाँ हो सकता है? लेट मी टेल यू, इट्स कैफेटेरिया गाइस, कैफेटेरिया। तो चलिए देखते हैं कैफेटेरिया में क्या हो रहा है। सीन थर्ड। और बता भाई कैसा है? और बता भाई क्या? मैं भी तो यार मैं तो बहुत बढ़िया हूँ भाई। और बता सिलेबस क्या प्रिपेयर भाई? क्या ही बताऊँ, मेरा तो यार सिलेबस पूरा खराब चल रहा है यार। अरे यार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम लोग को कब से खोज रहा हूँ, मैं यहाँ ही था। अरे यार आजकल विवेक में ही दिखाई दे रहा, और आजकल खोया था भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं भी कब से उसी को खोज रहा हूँ। भाई मैं कब से खोज रहा हूँ तुझे? नहीं था ब्रो। इधर आ। बहुत ओ, नथिंग नथिंग। क्या चल रहा है ये भाई?
व्हाट इज दिस हैपनिंग? एक्चुअली यार ये लड़की बहुत पसंद करते हैं यार इसको, जो व्हाइट पहने हुई है। यस यार। अच्छा एक काम कर विवेक, कोई और ले जा, उससे पहले तू बोल दे, हम लोग हैं तेरे साथ यार। डर लग रहा है यार। बोल दे, चल बोल दे, पूरे एकदम सारे के सारे लोग तेरे साथ हैं। बोल दे भाई, बोल दे, मैं हूं तुम लोग के साथ। रितु, 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 आई वांट टू से सबका कहना है हजारों में मेरी बहना है। अरे तुम फिर से आ गई? अरे नहीं तुम फिर से नहीं, जब भी आता तो हमारे मुंह से यही सब निकलता है, अरे नहीं तुम फिर से नहीं। जी हाँ, अब हो गई सारी मस्तियाँ खत्म और आ गया है एग्जाम टाइम। अरे भाई मैं भी तो बढ़िया। अरे यार देखना तेरे भाई ने, देखना हाथ पर क्या अपनी पैर के भाई, देख ले देख ले देख ले भाई, देख देख। अरे यार देखना आज पूरा एकदम चाहते ना, एकदम रख के पार देंगे भाई। सर के तुम यार ले टेंशन मत ले, पार देने आज तेरे भाई ने। देख किसी को बताना, मैं बहुत सारे फुलके लेके आया हूँ। अरे भाई लेकिन यार ये लड़कियाँ आजकल बाल क्यों खुली रखती है भाई? हाँ भाई सही बोला भाई, सही यार। हाँ भाई इसकी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे क्या बात है भाई, कमाल। राम 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 राम। कैसा भाई? भाई ठीक ठाक है। जय श्री कृष्ण। तू भी तो आ गई। आज एग्जाम में ना एकदम बहुत झटका पेपर आएगा, मेरे पास सारा जुगाड़ भाई देख ले तेरे भाई के पास। एकदम खराब भाई, मेरे को भी पास करना भाई। तू क्या किसी को भी पास करा? गुड मॉर्निंग मैम। मैम आप बहुत खूबसूरत हो। आई लव यू। मेरी रिकॉर्डिंग पॉड को मारा करो, जमीन तुम्हें से प्रोजा दिखाओ। ओके पैसा दियो 12 खाए 12।
किसका फोन बज रहा है? किसका फोन बज रहा है? गिव योर फोन, गिव योर फोन। सॉरी मैम, सॉरी मैम। भाई 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 चलना यार, फोन मांगते हैं मैम से। चलना भाई, चलना भाई। बहुत मारा यार मैंने, बहुत मारा भाई। क्या ही पता, अब जीत तुम क्लास से बाहर जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जाओ ना, जाओ क्लास में। देखा, ले आया ना कॉपी पैसे देकर। दोस्तों, क्या आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, वही आवाज जो हम सबके दिलों से आती है, वही आवाज होता है वो देखते हैं। आज तो रिजल्ट आया। ओह माय गॉड, 92% इतने तो कभी आते ही नहीं थे। आज तो घर में बिरयानी पार्टी पक्का। इसके साथ तो एक सेल्फी बनती है पक्का। तो अरे रिजल्ट आ गया। हाँ भाई आ गया, आ गया। तू भी होगी पास? मुझे तो पता। 33 तू पास हो गया? अरे मैं भी जा रहा हूँ, देखने देता हूँ अपना रिजल्ट। इस बार तो पक्का एकदम टॉप कर रही हूँ अपने जॉब। इतने खुश हो गए? मुझे तो उसको क्या हो गया? यार इसको क्या हो गया यार? उसको क्या हुआ? मैं फिर नहीं हो सकता। चलो देखते हैं क्या हुआ। मैं फिर नहीं हो सकता। क्या हुआ तुझे? ये रिजल्ट गलत है। तो फेल हो गया? फेल हो गया। मुझे पता था ये जरूर फेल होने वाला है। मैं फेल नहीं हो सकता। तू फेल हो गया, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। मुझे मैं फेल नहीं हो सकता। मैं फेल नहीं हो सकता यार। इतने में दम मैं फेल नहीं हूँ। तू फेल हो गया, तेरे से कुछ नहीं होगा। तू फेल हो गया। नहीं, लूजर, 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 करो तुम जब। हम मुझे सुसाइड करना ही पड़ेगा, सुसाइड करना ही पड़ेगा, मुझे सुसाइड करना ही ये मैं क्या कहने जा रहा था? मैं सुसाइड नहीं करूंगा। मुझे इन हालातों से लड़ना है। मुझे अपनी माँ के लिए कुछ करना 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 है। पहुंचा है।
गाइस तुम लोग को पता आज हम जिनका इंटरव्यू लेने वाले हैं वो कितने बड़े आदमी हैं। अपने कॉलेज के टाइम में फेलवर हुए थे एक बार, जिनके बाद उन्होंने सुसाइड जैसी घटना अपनाने की सोच ली थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया और सफल हुए। चलो उनका स्वागत, वेलकम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। आई वांट टू आस्क फ्रॉम दैट हाउ you achieve your goal and what you want to say from our today's generation. आपकी असफलता आपको निराश कर देती है और कुछ हद तक आपको अंदर से डिमोटिवेट कर एक सुसाइड के मुकाम तक पहुंचा सकती है, लेकिन उन्हीं असफलताओं से अगर आप सीख लेते हो, अगर उन्हीं असफलताओं से आप सीख लेते हो, तो फिर आप उन असफलताओं में सफलता को ढूंढकर अपने मुकाम को पा सकते हो। आपको असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेनी चाहिए। जैसे संस्कृत में एक श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानं स्वान निंद्रा तथैव च। काक चेष्टा बको ध्यानं स्वान निंद्रा तथैव च। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कवि कि आपको हमेशा एक निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, बिल्कुल कौवे की तरह। एक कौवा जैसे कि अपने जब तक वो अपने भोजन को पा नहीं लेता तब तक वो कोशिश करते रहता है कि हमें भोजन को पाना है, हमें अपने भोजन को पाना। और एक बगुले की तरह बगुला अपने शिकार से तब तक नज़र नहीं हटाता जब तक कि वो उस शिकार को दबोच कर अपने मुंह के अंदर ना ले। तो बिल्कुल उस तरह आप सबों को अपने गोल की ओर फोकस करना है। और तीसरा है स्वान निंद्रा। तो स्वान निंद्रा से ये हमारा तात्पर्य है कि आपकी निंद्रा ऐसी होनी चाहिए जैसे कि कोई भी तत्पर काम हो तो आप फट से जग जाए। और चारवा पांचवा तो आपको पता ही होगा, अल्पहारी और गृह त्यागी। थैंक यू सर। धनुष के बाण पे उतार दो।